कल हमने नीतिगत ये फैसला करा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले करके थे उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था कि गांव में अभी जब तक सिंचाई का जब तक बुआई का सीजन है तो शोइंग पीरियड में बिजली 8 घंटे जा रही थी, हमने इसे 10 घंटे कर दी और उसके बाद ये भी दे दिया कि अगर इनके फिर कई प्रॉब्लम हो तो वहाँ के केसेस में बढ़ा दो। तो हमें अब तक कहीं कोई और डिमांड नहीं है, 10 घंटे से सफिशेंट है, लोगों का काम चल रहा है। इसके अलावा दूसरा हमने ये करा कि जितनी तारें शहरों में या गांव में जितनी नंगी तारें हैं या लटक रही तारें हैं ज़मीन पे, उन सबको कोई दोबारा ऐसी घटना ना हो जैसे सिरसा में 2 बच्चों की बरसात के दौरान में ज़मीन थूक गई तारें, बरसात थी, करंट आया, 2 की डेथ हो गई। इस तरीके का कोई अनफॉर्चुनेट घटना दोबारा नहीं हो, इस करके ये करा है कि मैंने 10 दिन का, वो कहने के जी हमें 15 दिन दे दो, कंफर्टेबली हम इसे करेंगे। ऑन वार फुटिंग 15 दिन में पूरे हरियाणा में गांव में छतों से लग के जा रही है, मंडेर से लग के जा रही है, सब तारें हटा दी जाएगी, जो खंभे टेढ़े हैं वो एकदम सीधे कर दिए जाएंगे। ये लोगों की प्रायोरिटी भी थी और लोगों को दिखेगा कि पूरी स्टेट में कोई काम हो रहा है, एकदम मैसेज आएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऊपर कॉन्टेक्ट करा, कुछ 4 यूनिट्स लग रहे हैं, एक करनाल में, एक कैथल में, एक फतेहाबाद में, फतेहाबाद का भी जरा उसमें जमीन जमीन अखबार उन्होंने टाइम लिखा कि एक कल हमने रानिया का भी प्रपोज करा कि जीवन नगर या रानिया में, क्योंकि ये हब है पूरा पैडी का, तो हम समझते हैं कि 3 या 4 यूनिट लगेंगे जिनकी कैपेसिटी होगी उसको उठा के ईंधन बनाने की, वो प्राइवेट सेक्टर से आएंगे, उन्हें गवर्नमेंट लाइसेंस देगी और वो जो चारों यूनिट हैं वो 40 लाख टन टोटल हरियाणा की जो है वो पराली का वेट है और हमारी जो कैपेसिटी होगी 50 लाख टन की होगी। तो जितनी पराली है जो आने वाले साल में, हम उससे पहले तैयारी करके खड़े हैं, अगले बार पराली जलाने का काम नहीं होगा, हम किसानों को उनकी पेमेंट दी जाएगी और कारखानेदार उन्हें ले जाएंगे खरीद। इस पर कोई निजी कंपनी से कोई प्रस्ताव वगैरह आए? हाँ, उसके बाद आए हैं, 2-3 जगह आए हैं, कुछ इसमें बैंक्स की दिक्कत है, वो सोल्व हो जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसे अपना एक लवली प्रोजेक्ट लेके से चले हुए हैं और उनका पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, ये काम हो जाएगा हमारा, निश्चित रूप से हरियाणा लीड करेगा पूरे देश में, सबसे पहले हम इसे करने जा रहे हैं। सर, एक और बड़ा फैसला करा वहाँ के, कल मैंने हिदायत दी वहाँ सबसे कि सब अधिकारियों को कि हम नशा, हालांकि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है पर मैंने उनसे भी बात करी, विज साहब से, CM साहब से भी बात करी कि अपने अपने ज़िले में, मैं मेरे ज़िले में कड़ाई से लूँगा, हालांकि पूरे होम मिनिस्ट्री इस मामले में लगी है। हमने SPC को कल हिदायत दे दी, जिस दिन मैं आया था पहले दिन, जिस दिन यहाँ होम गार्ड ऑफ ऑनर था, फिर सब अधिकारियों की, पूरे ज़िले के अधिकारी थे, फर्स्ट विजिट पे होता है मिनिस्टर के, उसमें हिदायत दे दी कि जी मैं नहीं जानता, अगले 3 दिन में 5 दिन में उनको अरेस्ट करो जो बेचते हैं, जो कोई बच्चा इंजेक्शन लगाता है या कुछ लेता है
उन्हें सेकंड में रखो, उन्हें अभी नहीं छेड़ेंगे। पहले जो खाली नशा सेल करता है ना, वो कोई भी हो, कोई लिहाज नहीं। अगर किसी आईओ ने पैसे लेके उल्टा सीधा कर दिया तो इमीडिएटली सस्पेंड हो जाएगा, बड़ी मुश्किल, इमीडिएट एक्शन करेंगे। और मैं आपसे बताऊँ, एसपी साहब इसे रिलीज करेंगे। हम इस मामले में काफ़ी सक्सेसफुल हैं, कुछ लोग हमने राउंड अप करे हैं। वो कल वल जब वो यहाँ होंगे, मैं उन्हें कहूँगा ऑफिशियली, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि हमने नशा रोकने के लिए इतने लोगों को अरेस्ट कर दिया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर ली, एक महीने में डिपार्टमेंट में तहलका मचा दूँगा कि कोई आ रहा है, कोई काम कर रहा है। मैं पब्लिक वेलफेयर में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा।